बातमी समोर आली आहे. दुचाकी चोरी करणाऱ्या चोरांना पकडण्यात काश्मीर क्राईम युनिटच्या अधिकाऱ्यांना यश आलेलं आहे. त्यांच्याकडून 25 दुचाकी जप्त केल्याची माहिती मिळत आहे. सदर आरोपींना भाईंदर पश्चिम येथून ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून 20 ऍक्टिवा, 2 डिओ, 1 मायक्रोस्कोप, 1 युनिकॉर्न, 1 पल्सर या गाड्या जप्त केल्याची माहिती मिळत आहे. 25 ऍक्टिवा, 2 डिओ, 1 मॅस्ट्रो, 1 युनिकॉर्न और 1 बजाज पल्सर आहे. 25 मोटरसायकल हमको दी आहे, जिसमें से 20 के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड है. यहाँ पर उसका वेनसडे बुधवार तक PCR लिया गया है. सर, इस पूरे मामले में अब तक आपने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनका क्या मॉडस ऑपरेंडी हुआ करता था, कैसे अपना किया करते? ये जो योगेश प्रभाकर भांगले जो है, ये इसके पहले भी मोटरसाइकिल की चोरी में गुने में अरेस्ट हो चुका है. ये मॉर्निंग आवर्स में जैसे एक्टिवा वगैरह लगी रहती है तो उसकी अपनी मास्टर की से वो गाड़ी चालू करता है और उसी में उसके जो दो दोस्त है उनके पास जाके वो बेचता था और वो दोस्त आगे लोगों को बेचता था. तो ऐसे हमने 25 मोटरसाइकिल अभी रिकवर किया हुआ. ये मोटरसाइकिल मीरा भाईंदर से चोरी हुई है, लेकिन जो रिकवरी हुई है ये वसी विरार से किया हुआ है. सर, ये कब से चल रहा था? ये यहाँ से 2018, 2019, 2020 तीन साल की क्राइम हमने डिटेक्ट किए हुए. सर, इसके अलावा और भी आपको उम्मीद है कि गाड़ी से बरामद हो सकती है? अभी तक हमने 25 की हुई है, इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस चल रहा है. हमको उम्मीद है कि ये आरोपी और इसके जो और साथीदार है उनसे हम ज़्यादा मोटरसाइकिल रिकवर कर पाएंगे. तो इनके खिलाफ और भी कहीं केस इन्वेस्टिगेशन में पता चला? ये योगेश प्रभाकर मांगले ये पहले अरेस्ट हो चुका है, मोटरसाइकिल चोरी की केस में अरेस्ट हो चुका है. सर, जो गाड़ी आपने बरामद की है, कितने दिन की मेहनत है आपकी पूरी गाड़ी? देखो, हमारा जो इंटीरियर जो ऑफिसर्स है और जो स्टाफ है बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था और पर्टिकुलर DCP क्राइम सर ने हमको इस पे फोकस करने का आदेश दिया हुआ था. तो हमने जब इस योगेश प्रभाकर मांगले को पकड़ा है तब से ये हमने 25 मोटरसाइकिल रिकवर की चुकी है, लेकिन इसके पहले भी बहुत दिन से हम इस पर वॉच कर रहे थे, इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. सर, ये पूरे मामले में CCTV कैमरे का कितना बड़ा रोल रहा है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा? ये जैसे मोटरसाइकिल चोरी होती है तो पुलिस के पास पहला एविडेंस यही रहता है कि CCTV फुटेज में कोई आरोपी दिख रहा है क्या, और उसके जैसे अगर क्लियर दिखता है तो आरोपी आइडेंटिफाई हो जाता है. उसके बॉडी लैंग्वेज और इससे भी हम इन्फॉर्मर या जो हमारी स्टाफ है ये भी पहचान पाते हैं कि सर ये आरोपी हो सकता है, ये आरोपी हो सकता है.